माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स लोक सेवा आयोग की ओर से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जी हां, आयोग ने विज्ञप्ति जारी की है और शुद्धि पत्र भी है। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 के संबंध में आप देख सकते हैं कि 17-18-2023 को हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, देहरादून एवं ऋषिकेश नगरों में निर्धारित है। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र 29 जुलाई 2023 से आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यानी जो उत्तराखंड राज्य सम्मिलित अभ्यंतरण जो परीक्षा 2021 थी, जिसका आयोजन जो कि 13, 14, 15, 16, 17, 18 अगस्त को होना है, उसके जो एडमिट कार्ड है आप 29 जुलाई 2023 से आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहां पर प्रश्नगत हेतु जारी विज्ञापन संख्या जो कि 1 सितंबर 2021 को अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा में नॉन प्रोग्रामेबल सरल बैटरी चलित कैलकुलेटर का प्रयोग प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों के शर्तों के अधीन अनुमय किए जाने का उल्लेख किया गया है। माननीय आयोग द्वारा सहायक अभियंता लिखित परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षा में अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर अमुनय न किए जाने का निर्णय लिया गया, अतः उक्त के अतिरिक्त विज्ञापन की अन्य जो शर्तें हैं वह यथावत रहेंगी। यानी कि जो अब चलते हैं एग्जामिनेशन का पूरा क्या शेड्यूल है उसको एक बार देख लेते हैं। चलिए, आयोग की ओर से आप देख सकते हैं ये एग्जामिनेशन की पूरी लिस्ट हो गई है तैयार, जहां पर ये एमसीक्यू बेस होगी। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021, जहां पर 13 अगस्त को आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी का पेपर होगा प्रथम, जहां पर 9 बजे से लेकर 11 बजे तक होगा। इसी तरह से 13 अगस्त को सामान्य अंग्रेजी द्वितीय आप देख सकते हैं सत्र यानी कि इवनिंग शिफ्ट में होगा। इसी तरह से 13 अगस्त को आप देख सकते हैं सामान्य अध्ययन का पेपर और 16 अगस्त को आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण पूर्ण पेपर 16 अगस्त से होने वाले हैं स्टार्ट, इसमें सिविल इंजीनियरिंग प्रथम पत्र क्वेश्चन पेपर, कृषि इंजीनियरिंग इस तरह से 16 अगस्त को भी आप देख सकते हैं सेकंड शिफ्ट में, इस तरह से 17 अगस्त को मैकेनिकल इंजीनियर इंजीनियरिंग, 17 अगस्त को भी, 18 अगस्त को इलेक्ट्रिकल, 18 अगस्त को इलेक्ट्रिकल, इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा शेड्यूल जो है आयोग ने जारी कर दिया गया है। इसको लेकर आपको जैसे पता है कि नकल की इसमें जो है संभावना जताई गई थी, जिसकी वजह से ये सब परीक्षाएँ जो है री एग्ज़ाम के तहत आयोग के द्वारा कराई जा रही हैं। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है मुझे कॉमेंट सेशन बताएं जरूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।